स्टार्ट। महोदय, 73वें संवैधानिक संशोधन में प्रत्येक स्तर पर चयनित निकायों की अवधि को बढ़ाने के बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा चयनित निकायों की अवधि बढ़ाने के संबंध में स्पष्ट मार्ग निर्देशन निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रभावी कार्यप्रणाली हेतु सभी स्तरों पर सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनाई रखनी चाहिए। पंचायती राज संस्थानों पर फीताशाही के अधिक नियंत्रण को कम करना चाहिए ताकि ये निकाय स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। प्रजातांत्रिक सरकार के संबंध में लोकतंत्र और चयनित प्रतिनिधियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस प्रशासनिक प्रणाली को आरंभ किया जा सकता है। चयनित प्रतिनिधियों पर लगाए गए आरोपों के निर्णय का मामला सरकारी कर्मचारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य कर रहे प्रत्येक अधिकारी को संबंधित चयनित प्रतिनिधियों के नियंत्रण में होना चाहिए। उपयुक्त पद्धति द्वारा पंचायतों को समाप्त करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को होना चाहिए। नई पंचायती राजनीति तथा संबद्ध मुद्दों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण मापदंड राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य NIRD जैसी शीर्ष संस्थान करती है। जिला तथा उपजिला स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन राज्य संस्थान करेगा और संबद्ध राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर भी तैयार करना चाहिए। राज्य सरकार अपनी आवश्यकतानुसार उक्त के अनुसार संपूर्ण राष्ट्र में प्रतिपादित प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के मापदंड में कुछ सुधार के सुझाव दे सकता है। महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान महिला विकास कार्यक्रमों की दीर्घावधि होनी चाहिए। समय सीमा को देखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए एक दिन का पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। NIRD का पार्ट तथा IIPA जैसे संस्थानों को जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सहयोग देना है तो लैंगिक मामलों में महिलाओं की आवश्यकताओं को सम्मिलित करना चाहिए। यह आवश्यक है ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जा सके। विशेष आवश्यकताओं से तात्पर्य यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर कार्य का बोझ अधिक है और वे कृषि तथा अन्य आय सृजन क्रियाकलापों में सहयोग और परिवार की देखरेख भी करती हैं। महिलाओं को आर्थिक विकास के प्रमुख अंशदाता के रूप में अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महोदय, हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब उसकी परीक्षा होती है और हिम्मत के साथ निर्णय करने और दृढ़ता के साथ उसको उपयोग में ले आने पर ही उसका भविष्य निर्भर होता है। भारत के लिए यह ऐसा ही समय है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले वर्ष से ही हम बड़े कठिन और नाजुक समय से गुजर रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने इस पद का भार संभाला था तो मुझे पता था कि हमारे सामने कितनी भारी कठिनाइयां हैं और सूखे तथा अभाव के इन महीनों को पार करने के लिए और अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाने के लिए कितने बड़े प्रयत्न और त्याग की जरूरत पड़ेगी। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम असफल नहीं हुए और केवल बुजदिली ही ऐसा कहेंगे कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। विकास के कार्यों को हम इस स्तर पर ले आए हैं जहां और अधिक उपलब्धि तथा लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति के इस विशाल भंडार का हमें पूरा पूरा उपभोग करना है। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं है। युद्ध और सूखे के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई उनसे आर्थिक विकास में अस्थायी रुकावट आ गई है। आर्थिक विकास करीब करीब रुक ही गया है। अभाव भी है। विदेशी मुद्रा की आमदनी में कमी के कारण कारखानों की पैदावार पर बहुत असर पड़ा और मजदूरों की छटनी होने लगी। छोटे उद्योगों को विशेष धक्का लगा। निर्यात एक सीमा पर आकर रुक गए। कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। निराशा और अनिश्चय फैलने लगा। सबसे बढ़कर जनता कष्ट में है। स्थिति पर काबू पाने के लिए हमने कई कदम उठाए परंतु ये प्रारंभिक कदम अधिक कारगर ना हुए। इसलिए आर्थिक बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई का इस्तेमाल आवश्यक हो गया। अवमूल्यन कोई जादू की
छड़ी नहीं है, किंतु यह हमारी अर्थव्यवस्था में आई हुई कुछ गड़बड़ियों को शीघ्रता से सुधार कर सकता है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ता हुआ अंतर एक ऐसी ही चीज़ है। इसका महत्व और उद्देश्य यह है कि हमारे निर्यात अधिक लाभप्रद हों और जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं उनका स्थान स्वदेशी वस्तु ले सके। इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सकेगा। इससे देश की कारीगरी और आविष्कार की प्रतिभा को भी बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप।